वेलकम टू देश रोजाना और ये प्रोग्राम है सतर्क भारत, जिसमें मैं कुछ ऐसे क्राइम का आपसे जिक्र करूंगा, ऐसे किस्सों का, केसेस का जिक्र करूंगा जिसने इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। और आज एक ऐसा ही किस्सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तंदूर, जब हम तंदूर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तंदूरी पनीर, तंदूरी कढ़ाई, तंदूरी चिकन ऐसे डिशेज का नाम आता है। और आमतौर पर तंदूर हमें किसी शादी ब्याह में, पार्टियों में या सड़क के किनारे ढाबों पर दिखाई देता है जिस पर रोटियां बनाई जाती हैं। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि तंदूर का इस्तेमाल कोई इस तरीके से भी कर सकता है कि वो अपना जुर्म छुपाने के लिए तंदूर का यूज करे? ऐसा ही हुआ। तंदूर कांड, एक ऐसा कांड, एक ऐसा मर्डर केस जिसने भारत की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उन्होंने इसके बारे में सुना। तंदूर कांड है एक ऐसा ही कांड है दिल्ली का। वो रात थी 2 जुलाई 1995 की। ये कहानी घूमती है 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, उसकी बीवी नैना और करीम मकबूल, जो कि यूथ कांग्रेस का ही एक नेता था। यूथ कांग्रेस में होने की वजह से नैना और सुशील इवेंट्स में मिलते रहे तो दोनों के बीच करीबियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। करीम मकबूल नैना को पहले से जानता था तो ये एक ट्रायो था। 2 जुलाई 1995 को रात के तकरीबन 8:30 बजे सुशील को रूम में से एक आवाज आती है, किसी की बात करने की आवाज। वो जाकर देखता है तो नैना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तो पूछता है कि भाई किससे बात कर रही है, तो कहते किसी से नहीं, मैं रॉन्ग नंबर था। और इतना कहकर वो फोन रखकर चली जाती है, क्योंकि उस वक्त पे लैंडलाइन फोन चला करते थे। तो वो इतना बोलकर किचन की तरफ चली जाती है। अब सुशील को शक होता है तो वो रीडायल करके देखता है। अब जब रीडायल करता है तो दूसरी साइड से जो आवाज आती है वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद पता चलता है कि ये आवाज तो करीम मकबूल की है। अब सुशील को पहले से इन दोनों पर शक था, क्योंकि इवेंट्स में आते जाते वो देखता रहता था और इन दोनों की दोस्ती पहले से थी। तो सुशील शर्मा को इन दोनों पर शक था और इसी के चलते वो गुस्से में आ जाता है और जाता सीधा नैना के पास किचन में और उससे पूछता है कि तूने मुझसे झूठ क्यों कहा, तू करीम से बात कर रही थी और तूने कहा रॉन्ग नंबर है, मेरे से झूठ क्यों कहा। उधर से फिर नैना भी चिल्लाने लग जाती है। तो ये गहमा गहमी, चिल्लम चिल्ली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुशील कुमार अपना आपा खो बैठता है और अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकालकर नैना पर 3 फायर करता है। पहली गोली लगती है दीवार में, दूसरी लगती है नैना के गले पे और तीसरी सीधे उसके सिर में। अब सिर में गोली लगते ही नैना तुरंत दम तोड़ देती है, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ये सब कोई सोची समझी साजिश नहीं थी तो जब गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ तो सुशील शर्मा ने देखा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। वो बड़ा परेशान हो जाता, बौखला जाता कि अब मैं क्या करूं, ये मेरे हाथों से क्या हो गया। कुछ नहीं सोचता, थोड़ी देर बैठता है, फिर नैना की जो डेड बॉडी है उसे एक बोरी में डाल लेता है। अब बोरी में डाल के अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल लेता है और दिल्ली की सड़कों पर अब वो गाड़ी दौड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। अब थोड़ा सा ट्रैफिक हल्का हो गया था क्योंकि सब लोग अपने घर तकरीबन जा चुके थे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का सड़कों पर रश था क्योंकि लोग रात को निकलते घूमने फिरने के लिए एज यूजुअल। अब सुशील शर्मा सोचता है कि कुछ तो किया जाना चाहिए, तो वो गाड़ी मोड़ देता है यमुना की तरफ। अब उसका प्लान ये है कि वो यमुना पुल के ऊपर गाड़ी रोक के नैना की डेड बॉडी को यमुना पुल में डाल देगा और उसके बाद वहां से चला जाएगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था क्योंकि यमुना पुल 2 जगहों को कनेक्ट करता है, तो वो गाड़ी तो रोक लेता है लेकिन जब भी वो डिग्गी की तरफ जाए तो कोई ना कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है तो लोग उसे जानते भी हैं। और फिर ऊपर से उसकी गाड़ियों पर कुछ स्टिकर्स भी लगे हैं जो कि अमूमन लगे ही होते हैं सब गाड़ियों पर, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी गाड़ियों पर लगे होते हैं। क्योंकि सड़क पूरी तरीके से सुनसान नहीं हुई थी तो कोई ना कोई आ जा रहा था, तो सुशील ने सोचा कि भाई ये काम नहीं आएगा, ये आइडिया तो काम नहीं करेगा।
अब वो कुछ सोचे समझे बिना गाड़ी मोड़ता है अपने रेस्टोरों की तरफ, बगिया रेस्टोरों, जो कि उसके घर के पास ही है और उसका मालिक भी सुशील शर्मा ही है। अब गाड़ी में, गाड़ी की डिग्गी में उसकी पत्नी नैना की लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, और वो गाड़ी जाकर सीधी लगा देता है अपने रेस्टोरों, बगिया रेस्टोरों की पार्किंग में और बौखलाता हुआ अंदर जाता है। अंदर जाकर वो सीधा मैनेजर के पास जाता है जिसका नाम है केशव। अब केशव सुशील का खास आदमी है तो वो जाकर बोलता है कि भाई रेस्टोरों बंद कर दो, सबको यहाँ से निकाल दो। वो कहता है ये क्या बात होती है सबको निकाल दो, अभी तो रेस्टोरों शुरू हुआ है, क्योंकि लोग रात को घर से निकलते हैं, बाहर डिनर का प्लान करते हैं, तो वो सब रेस्टोरों की तरफ ही जाते हैं। कहता रेस्टोरों से कैसे निकाल दें, हमारा सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। कहता कुछ नहीं, मुझे सुनना, जो मैंने बोला है वो कर। तो वो कहता कि ठीक है मैं नए लोगों को रोक देता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे खा रहे हैं उन्हें तो खाने दो। कहता ठीक है उन्हें खाने दो और उसके बाद जो है रेस्टोरों बंद कर दो और जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबको घर भेज दो, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है, सबको घर भगा दिया जाता है, रेस्टोरों की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का टाइम है, सारी लाइटें बंद हैं, रेस्टोरेंट बिल्कुल अंधेरे में है, सिर्फ सुशील केशव ये दो लोग रेस्टोरेंट के अंदर है। अब केशव पूछता है कि भाई क्या हुआ, तूने ऐसा क्यों करवाया, आपने मतलब सारा रेस्टोरेंट खाली करा दिया क्यों? तो वो बताता है कि मेरे हाथों से मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। केशव घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि वो सुशील का पुराना साथी है तो वो इसमें उसका साथ देता है। सुशील बोलता है कि भाई अब मुझे उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। तो केशव कहता है चलो ठीक है, क्या करना है, क्या प्लान है? उन्हें जब कुछ नहीं सूझता तो वो बोलते कि इसकी डेड बॉडी को हम डाल देते हैं तंदूर में, तंदूर में, जिस तंदूर में रोटियां सिकती हैं उस तंदूर में नैना की डेड बॉडी को डाला जाएगा। अब वो जैसे तैसे करके, क्योंकि तंदूर तो छोटा सा होता है, हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, हमारी हाइट थोड़ी ऊंची होती है, तंदूर छोटा सा होता है और उसके अंदर जो वो एक होल होता है जिसमें आग जलती है वो भी कुछ खास बड़ा नहीं होता है, तो एक आदमी की बॉडी उसमें नहीं समा सकती, लेकिन वो जबरदस्ती उसे उसमें डालते हैं। अब इतनी जल्दी आग पकड़ती नहीं है भाई, डेड बॉडी, इंसान की जो बॉडी है वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ती है। तो अब उनने कहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो अब घबराए हुए हैं दोनों कि क्या पता कब क्या हो जाए, तो जितना जल्दी हो सके इसको ठिकाने लगाया जाए। तो वहीं रेस्टोरों में उसके प्रचार के कुछ पर्चे, कुछ बैनर्स, पैम्पलेट्स वो वहां पर पड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको उठा के उसमें डाल दिया कि थोड़ी आग जल्दी हो जाएगी तो डेड बॉडी जल जाएगी, लेकिन ये भी काम नहीं आया। अब आपने देखा होगा तंदूर के पास ना एक बाउल रखी होती है, उस बाउल में घी होता है, डालडा घी होता है या मक्खन होता है, इससे रोटियां चुपड़ी जाती है, रोटियों के ऊपर जिसे लगाया जाता है। तो सुशील ने एक दो चम्मच उठा के उसमें डाली, वो आग पकड़ गई। अब सुशील ने सोचा भाई इससे हो गया, तो उसने उठा के पूरा बाउल उल्टा कर दिया। जब इतना सारा मक्खन उसमें एक साथ गया तो आग एकदम से भभकी ऐसे करके और जल जल जलने लगी। तो आग की लपटें इतनी ऊंची उठी, इतनी ऊंची उठी कि वो रेस्टोरों की दीवार से भी ऊपर जाने लगी, और 2-3 मंजिल पे एक तिरपाल टाइप का उन लोगों ने लगाया हुआ था, वो तिरपाल जो छाया के लिए लगाया जाता है ना आजकल लगाते हैं, वहां तक लपटें पहुंचने लग गई, बहुत तेज लपटें उठी। तो सड़क के बाहर एक सब्जी बेचने वाली अनारों सो रही थी, जब उसने आग देखी वो घबरा गई कि रेस्टोरों में आग लग गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आग लग गई, आग लग गई, बचाओ बचाओ करके। उसी वक्त वहां पर दिल्ली पुलिस का एक कॉन्स्टेबल अब्दुल नजीर राउंड पर था। उन्हें रात को पुलिस वाले राउंड पर घूमते हैं कि भाई कोई चोरी की वारदात को अंजाम ना दे रहा हो, कहीं पर कोई लफड़ा ना हो रहा हो, तो वो राउंड पर आया हुआ था। अब अब्दुल नजीर ने अनारों को चिल्लाते हुए सुना तो उसके पास गया कि पूछा क्या हुआ, तो कहते साहब सामने होटल में आग लगी, हो सकता है अंदर लोग फंसे हों। तो उसने देखा कि आग तो खैर नहीं लगी है बट हाँ लग सकती है, तो वो होटल के अंदर गया। जब उसने गेट खटखटाया तो कॉन्स्टेबल को केशव ने गेट पर ही रोक दिया, लेकिन सुशील तब तक छुप गया। तो कॉन्स्टेबल ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है? तो कह रहे कि कुछ नहीं सर, कुछ रद्दी है पुरानी जो यूज़ की है नहीं, तो वो उसमें डाल दी थी हमने, वो जल रही है और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब्दुल ने कहा कि भाई थोड़ा तरीके से जलाओ, आग की लपटें बहुत ऊंची जा रही हैं और ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आसपास के जो घर हैं उनमें आग ना लग जाए। तो उसने कहा ठीक है सर, हम लोग जो है मैं अभी कर देता हूँ,
इसको अभी शांत कर देता हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया कॉन्स्टेबल। लेकिन एक कॉप का दिमाग जो होता है पुलिस वाले का, वो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। तो अब्दुल वहाँ से जाने के बजाय वहीं रुका थोड़ी देर। अब आग की लपटें तो रुकने से बाज आई, वो तो रुक नहीं सकती इतनी जल्दी, क्योंकि भाई उसमें तो डेड बॉडी है और जब तक वो जलेगी नहीं लपटें उठती रहेंगी। तो कुछ टाइम के बाद भी जब वो लपटें ऐसे ही जलती रही तो कॉन्स्टेबल फिर आया, लेकिन इस बार वो गेट पर नहीं रुका, वो सीधा अंदर आ गया। उसने केशव की एक नहीं सुनी, वो सीधा अंदर आ गया और आकर जब देखा तंदूर के पास तो उसकी आंखें फटी रह गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे समझ तो नहीं आया कि तंदूर में क्या डाला गया है, लेकिन इतना समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फटाफट रेस्टों से बाहर आया, उसने अपने वॉकी टॉकी से जो होता है अपना बातचीत करने वाला, उससे सबको इत्तला कर दिया, सबको खबर दे दी कि भाई बगिया रेस्टों में कुछ गड़बड़ है, फटाफट से आ जाओ टीम और बैकअप लेके आ जाओ। कुछ ही देर में सारी टीम वहां पर पहुंच गई। तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था, अब रेस्टों में अकेला केशव था। जब केशव को पकड़ा गया, उससे पूछा गया, तो अंदर गई सारी टीम। अंदर जाकर उन्होंने तंदूर को गिराया नीचे, तो उसमें से निकली एक डेड बॉडी। अब उस वक्त का जो मंजर था बहुत भयानक था। सब अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो गए थे कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी। अब उनको ये तो पता है कि ये एक इंसान है, मतलब एक इंसान की बॉडी है, लेकिन ये नहीं पता किसकी है। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया भाई। तो पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा तो उसमें खुलासा हुआ कि भाई ये किसी महिला की बॉडी है, किसी औरत की, फीमेल बॉडी है। तो भाई अगले दिन सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, रेडियोज पर, हर जगह पर ये खबर छा चुकी थी। पूरे तगड़े तरीके से लोगों तक पहुंच चुकी थी कि भाई ऐसे ऐसे बगिया रेस्टोरेंट में एक महिला के जलाने की कोशिश की गई। अब जब ये खबर पढ़ी करीम मकबूल ने, तो वो वहां पर पहुंचा भागकर दौड़कर, जहां पर उसके शव को रखा गया था, नैना का जो शव था, जो उसकी डेड बॉडी थी, जिसको रखा गया था वहां पर, वो वहां पर गया। अब यहां पर कड़ी से कड़ी जुड़ी है। देखिए, रात को नैना की और मकबूल की बात हुई, उसके बाद सुशील ने नंबर रिडायल किया तो मकबूल से बात हुई, उसको समझ आ गया कि भाई दोनों का झगड़ा है, बगिया रेस्टो सुशील का है, जो बात मकबूल जानता है, और जो डेड बॉडी महिला की मिली है उसमें तो वो पक्का नैना की ही होगी। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ गई वहां पर। मकबूल वहां पहुंचा, एक अंगूठी की मदद से उसने पहचाना कि ये तो नैना साहनी की डेड बॉडी है। नैना साहनी जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा की वाइफ है। अब इसका मर्डर सुशील शर्मा ने किया है। पुलिस वाले फटाफट उसके घर पर पहुंचे, जो कि 8/2A उनका फ्लैट नंबर था, सरकारी फ्लैट नंबर। तो वहां पर पहुंचे तो सुशील कुमार वहां से फरार है। अब पुलिस का शक और बढ़ गया। केशव से पूछताछ की, केशव को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया गया उसे सच निकलवाने के लिए। इस घटना के हफ्ते के बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। कहते हैं ना कि मुजरिम जो है ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में पकड़ा जाता है। सुशील ने वहां कोर्ट में एक याचिका डाली कि मुझे दिल्ली पुलिस से खतरा है, वो मुझे गिरफ्तार करने आ सकते हैं, तो मुझे पहले ही अंतिम मतलब जमानत चाहिए मुझे एडवांस में। अब जब ऐसा केस डलेगा तो भाई वहां तक तो जाएगी ना इन्फॉर्मेशन। दिल्ली पुलिस ने वहां पर आकर उसको धर लिया, बेंगलोर से उसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद सुशील शर्मा ने अपने सारे जुल्म कबूल लिए, क्योंकि तब तक केशव भी सब कुछ सच बता ही चुका था। तो सुशील शर्मा को जेल में डाला गया, उस पर केस चले, तो उसे फांसी की सजा दे दी गई सुशील शर्मा को, अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए और उसके सबूत को मिटाने के लिए जो कांड उसने किया उसकी वजह से उसे फांसी की सजा दी गई। और केशव जो उसका साथ दे रहा था उसे 7 की मतलब कैद दी गई जेल में, उसे 7 की कैद दी गई। ये बात थी 2003 की। 95 में मुकदमा दर्ज हुआ, केस चलता रहा, 2003 में उसको फांसी की सजा दी गई दिल्ली के लोअर कोर्ट में। तो सुशील शर्मा ने भाई दिल्ली के लोअर कोर्ट की जो सजा थी उसको चुनौती दी और हाई कोर्ट में गया। तो हाई कोर्ट में भी उसका केस चला 4 तक, और 2007 में हाई कोर्ट ने भी सुशील शर्मा को कहा कि भाई आपको तो फांसी की सजा ही मुकम्मल की जाती है, आपको तो फांसी की सजा ही मिलेगी।
अब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर यही था, तो एक आखिरी ट्राई सुशील शर्मा ने और किया, वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, 2007 से 2013 छः साल, 95 से 2003, 2003 से 2007, 2007 से 2013, यानी कि 95 से 5 10 और ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो कुछ भी सुशील शर्मा ने किया है ये उसने गुस्से में किया है, ना तो ये सोचे समझी कोई साजिश थी, और सुशील शर्मा से ना तो समाज को ना किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई भी खतरा है, उसने अपने जुर्म कबूले हैं, सरेंडर किया है, लेकिन किसी को भी इससे कोई खतरा है नहीं, किसी से इसने पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये सब जो भी हुआ वो एक गुस्से में हुआ, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया, फांसी की सजा को बदल दिया गया। तो 2013 में सुशील शर्मा ने उसको बिना किसी शर्त पे पैरोल दे दी गई, उसे बेल दे दी गई, छोड़ दिया गया, पैरोल पर बाहर निकाल दिया गया। दो तरीके के वो होते हैं कि एक तो पैरोल पर जब निकाला जाता है तो एक टाइम लिमिट दी जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 18 से 20 साल तो अपने पहले ही काट चुका था, और उम्र कैद में भी कुछ समय सीमा होती है, वो भी दो टाइप की होती है, जिसमें कि कुछ साल होते हैं या फिर पूरी उम्र कैद होती है। तो उसने कहा कि मेरी उम्र कैद तो मैं इतनी 18-20 साल तो वैसे ही जेल में काट चुका हूँ, तो क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिना किसी शर्त के पैरोल पर छोड़ दिया, जाने दिया, ना उसको ये कहा गया कि भाई इतने टाइम के बाद वापस आ जाना है, ना उस पर कोई चार्जेस थे, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। 2013 में सुशील शर्मा जो है बरी हो गया, और उसके बाद उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, नाम बदल कर रहने लगा और एक नई जिंदगी ही शुरुआत की। तो ये तंदूर कांड एक ऐसा कांड था जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी, ऐसा अपने तरीके का ये पहला और आखिरी केस था। सतर्क भारत में मैं कुछ ऐसे ही केसेस आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि अनहोनी भरे थे, अटपटे थे, जो कि हमारी सोच से भी परे थे, लेकिन आखिर में वो पकड़े जाते हैं। तो आप भी सतर्क रहें, हो सकता है हमारे आसपास ही कोई क्रिमिनल घूम रहा हो, दिमाग के दरवाजे हमेशा खोल कर रखें। देश रोजाना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।